हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन होगा हमारा, एक पर्टिकुलर टॉपिक है मनुष्य के शरीर में होने वाले रोग और ये रोग किसकी कमी से हो जाते हैं। इन सभी को हम लोग 40 क्वेश्चन में पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। 39 तक के क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूंगी, लास्ट का एक क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप उसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात हो रही है एनीमिया रोग की। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, कैल्शियम, आयोडीन, जस्ता और लोहा। तो ध्यान दीजिएगा, एनीमिया रोग हो जाता है लोहे की कमी के कारण, आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मनुष्य के बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग इफेक्टेड होता है। देयर इज फोर ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर इज आंत। ठीक है, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सिफिलिस किस से होता है। चार ऑप्शन है, विषाणु, जीवाणु, कवक या शैवाल। एंड द करेक्ट आंसर इज जीवाणु। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है। तो पीलिया रोग होता है यकृत के संक्रमण में, जब यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है तो पीलिया रोग हो जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यकृत को इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। ठीक है, जब लीवर इन्फेक्टेड हो जाता है तो मनुष्य को पीलिया रोग हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन पोलियो रोग का कारण है। तो वायरस। ठीक है, पोलियो जो रोग है ये वायरस के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एलिसा टेस्ट किस रोग के जांच के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एड्स। ठीक है, एड्स की बात आती है तो एड्स जो है आपका AIDS, इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, और ये एड्स के, अगर किसी इंसान को एड्स हो गया है तो इसका टेस्ट जो होता है, उस टेस्ट का नाम क्या है, ये है एलिसा टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है। तो मलेरिया रोग प्रभावित करता है प्लीहा को, डैट इज़ वाई ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, मिनीमाता रोग किससे होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, पारा, निकेल, शीशा या इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज पारा। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग मरकरी बोलते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, HG। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता। देखिए निकट दृष्टि डोज दिया हुआ है, दूर दृष्टि डोज दिया हुआ है, वर्णांधता दिया हुआ है। तो जो वर्णांधता है यानी कि ऑप्शन सी है, इसका जो है ये जो रोग होता है इसको ठीक नहीं किया जाता। बाकी जो आपका निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, या आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के यूज़ करके इसको दूर, इस कमी को दूर किया जा सकता है, मगर वर्णांधता ऐसा रोग है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, एवियन इन्फ्लुएंजा जिसको हम लोग बर्ड फ्लू के नाम से भी जानते हैं, विषाणु को निम्न में से निरूपित किया जा सकता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा H5N1। ठीक है, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से याददाश्त खोने से है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्जाइमर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। ठीक है, अल्जाइमर रोग से मनुष्य की जो याददाश्त है इस पर इफेक्ट होता है बहुत ही बुरा। प्रश्न है, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोवा कौन सा है।
ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, एंटी अमीबा, अमीबा या ट्रिपेनोसोमा, एंड द करेक्ट आंसर इज एंटी अमीबा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं, देयर इज फोर ऑप्शन गिवेन एंड द करेक्ट आंसर इज मलेरिया, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है, एलर्जी के प्रतिक्रिया के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, तो यह है दमा, ठीक है। किसी भी इंसान को किसी भी प्रकार की एलर्जी हो सकती है, डस्ट से हो सकती है, धुएं से हो सकती है, ठीक है, तो एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग कौन सा है, तो यह है दमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, तो निमोनिया होता है जीवाणु के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण मसूड़ों से खून आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं, ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन ए, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, याद रखिएगा। देखिए विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल, ठीक है, विटामिन बी ऐसा विटामिन है जिसके कई टाइप होते हैं, जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, ठीक है, और विटामिन सी का आपका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफिरॉल, ठीक है, ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो विटामिन सी की कमी से जो है मसूड़ों से खून आने लगते हैं और दांत भी हिलने लगते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके काटने से, तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए वीडियो को आप लोग अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मैंने आपको बताया विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है, ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। फिलहाल हमसे जो क्वेश्चन पूछा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो ये है रतौंधी। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, देखिए जैसे आपको पता है कि पदार्थ की तीन अवस्था तो आपको पता है, होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव एंड गैस, बट यहाँ पे आपसे पदार्थ की चौथी अवस्था पूछी है, तो ये क्या होता है, ये होता है प्लाज्मा, दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट आंसर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हेमेटोलॉजी, ठीक है, हेमेटोलॉजी ये कहलाता है रक्त का अध्ययन, जहाँ पे लॉजी लग जाए वहाँ समझिए ये अध्ययन से रिलेटेड है, ठीक है। मायोपिया का संबंध किससे है, मायोपिया में क्या हो जाता है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, वर्णांधता या इनमें से कोई नहीं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मानव नेत्र में दूर दृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है, हाइपर मेट्रोपिया को हम लोग दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं, दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करती है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, फेफड़ा, मेरुदंड, हृदय या इनमें से कोई नहीं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरुदंड, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, रिकेट्स एक बीमारी है, जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी हो जाती है, जिसमें क्या होता है
हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और विटामिन डी का मैंने आपको केमिकल नेम बताया, इसको आपको बताना है कि विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है। अगर आपने अभी तक के वीडियो को अच्छे से देखा है तो अभी मैंने इसको डिस्कस भी किया था। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, हड्डियों की बीमारी है ये, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। एथलीट फूट रोग किससे होता है? तो ये होता है फंगस की वजह से। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है एंड द करेक्ट आंसर इज मलेरिया। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SARS का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि इसका पूरा रूप क्या है? देयर इज फोर ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दैट इज वाई ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह का रोग हो जाता है? यहाँ पे बात हो रही है डायबिटीज की, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, कैंसर अस्थि मज्जा के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है ल्यूकेमिया को। ठीक है, ल्यूकेमिया को। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? आसान प्रश्न है, तो ये होते दांत और मसूड़ों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? चार ऑप्शन है, मैग्नीज, लोहा, फ्लोरीन या जिंक। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरीन। आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिकी रोग है जिसका परिणाम क्या होता है? इसमें जो है चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इसमें होता है क्या, इसमें होता है खून का ना जमना। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, हीमोफीलिया में खून का नहीं जमना होता है। एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, कान, गला, नाक या त्वचा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वचा से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG टीका किस रोग के विरोध में लगाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है एंड द करेक्ट आंसर इज क्षय रोग, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, ट्यूबर क्लोसिस यानी कि TB भी कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्षय रोग या TB मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करते हैं? चार ऑप्शन है, फेफड़े, यकृत, वृक्क या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फेफड़ा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण हृदयघात होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव को घेंघा रोग हो जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो आसान प्रश्न है ये, आयोडीन की कमी से। ठीक है, आयोडीन की कमी से मनुष्य के शरीर में घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है कृमि के कारण। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विडाल टेस्ट किस रोग की संभावना की जांच के लिए किया जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो टाइफाइड का पता लगाने के लिए, मनुष्य को टाइफाइड हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये डिस्कस किया था। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का करेंट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, विडाल टेस्ट टाइफाइड की रोग की संभावना की जाँच के लिए किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि लास्ट क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होगा, MMR का टीका किस रोग में दिया जाता है? चार ऑप्शन है, खसरा, गलसुआ, रुबेला या उपरोक्त तीन है। ठीक है, और देखिए, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसका PDF भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।